असद बेटा कैसे हो? अब तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर साहब, अल्लाह का फजल है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर आफियत से हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसास टेक्निकल में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कार्टून कैसे बनाया जाता है और आप जानना चाहते हैं कि ये कार्टून किस ऐप पे बनाया जाता है, तो चलो दोस्तों सीखते हैं कि ये कार्टून कैसे और किस ऐप्स पे बनाते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उनसे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल हसास टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। इस ऐप्स का नाम है प्लूटेगन स्टोरी, जो आप प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मेरे पास पहले से इंस्टॉल पड़ा है। अच्छा जी, जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे सामने इसी तरह का एक इंटरफेस आएगा। मैंने पहले इसमें बहुत सारी वीडियो बनाए रखे हैं, तो अब मैं चूँकि सिरे से शुरू करता हूँ, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट वीडियो पर क्लिक करना है, क्योंकि ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर एक बात और भी काबिल गौर कि ये ऐप जो है ये बग़ैर इंटरनेट के नहीं चलता, इसके लिए इंटरनेट लाजमी होता है, इसे ये ऑफलाइन नहीं चलता, ऑनलाइन चलाना पड़ता है इसे। और जितना आपका नेट तेज़ होगा उतना ये जल्दी जल्दी काम करेगा, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा नेट का मसला रहता है। अच्छा, ये आ गया हमारे सामने कैफ़ी, तो हम कैफ़ी पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसे बदलना भी चाहें तो यहाँ पर कैफ़ी का जो निशान है इसे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये देख ले, ये आप जितना भी इसमें ऊपर नीचे इधर उधर जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे जो है वो बैकग्राउंड आपको देंगे। अच्छा जी, अब हम अपने काम पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, नौ एक्स्ट्रा अगर लेना है हमें तो विद एक्स्ट्रा क्लिक करके हमारे हाँ जो इजाफी लोग होंगे वो भी इधर उधर दिखाई देंगे, जैसे कि वो आ गए। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने नौ एक्टर ये वाला क्लिक करना है, यानी अपनी अदाकार को अपने एक्टर को यहाँ पर ऐड करना है, जैसे मैंने पहले से यहाँ पर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो आप क्रिएट कैरेक्टर पर क्लिक करके नया कोई एक्टर आपकी अपने लिए बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले मेल या फीमेल जो भी आप एक्टर बनाना चाहते हैं उसे क्लिक करना है, तो मैं मेल को क्लिक करता हूँ। तो ये अब यहाँ पर क्या करना है, इसका हेड जो है उसे क्लिक करके ये इसे जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो वैसे बनाना है। अपनी मर्ज़ी का कोई भी हेड आप पसंद करें तो इसे क्लिक कर ले, वहाँ पर ख़ुद बहुत ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नीचे वाला जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इससे आप चेहरे का कलर जिस तरह आपको पसंद हो वैसा ही आप क्लिक करके उसे ऐड कर दें। इसके बाद उसको बालों का डिज़ाइन देना है, जैसे भी आपको पसंद हो वो वाला डिज़ाइन मंतखब कर ले। फिर उसके बाद मूंछ की बारी आती है, जैसे भी आपको पसंद हो मूंछ, दाढ़ी वगैरह जिस तरह आपका अपने मनपसंद का यहाँ पर मूंछ लगा ले। इसके बाद फिर आंखों की बारी आती है कि जिस तरह कलर आपको पसंद हो आंखों का वो दे दे, या जो पलके वगैरह हैं वो लगा लें अपनी मर्जी का कोई सा भी, जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ या ये वाला लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आबरू आप देख रहे हैं अपनी मर्जी का, यहाँ पे आंखों का कलर हो जो भी अपना पसंद का लगा लें, और यहाँ पर नीचे होंठों का कलर भी चेंज किया जा सकता है। इसके बाद जो है ये ऐनक हैं, चश्मे वगैरह, यहाँ पर जो शर्ट जिस तरह आपको अपनी मर्ज़ी का जो भी हो लगा ले, मेल फीमेल सब यहाँ पर मौजूद होता है पहले से, तो मेल हो तो उसके लिए मेल वाला, फीमेल हो तो उसके लिए फीमेल वाला शर्ट। इसके बाद शलवार की बारी आती है, अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी लगा ले।
उसके बाद ये भी सब मेल फीमेल शर्ट पैंट वगैरह सब कुछ होता है। इसके बाद जूते हैं जो मेल फीमेल यहाँ पर भी दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर टॉकिंग यानी बात करना, किसको बात करना है उसको इनवाइट करना है। इसके बाद यहाँ पर इस कैरेक्टर को नाम देना है, जैसे कि मैं इसके लिए यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ असद। अच्छा जी, तो फिर क्या करना है, ये वाला जो अगला जो है ये बैकग्राउंड कलर चेंज करता है, जो भी आपको पसंद हो वो लगा ले। अच्छा, फिर से यहाँ पर आकर इसको डन करना है। जब हम इसे डन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ वहाँ पर हमेशा के लिए ऐड रहेगा, और वक्तन फोक्तन हम इसके जो शर्ट जूते वगैरह जो भी हो, बाल हो, मूछ लगाना हो, जो ये सब कुछ हम तब्दील कर सकते हैं। अच्छा जी, वो कैरेक्टर अब हमारे सामने यहाँ पर ऐड हो चुका है औरों के साथ, जैसे पहले मैंने और भी बनाई थी, अब ये वाला भी वहाँ पर ऐड हो गया। अगर हम इनमें से कोई चेंजेस करना चाहते हैं, बाल, मूंछ, शर्ट वगैरह, तो ये पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करके इसमें फिर चेंजेस कर सकते हैं और फिर उसे डन करके ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसे अपनी सीन पर ले जाना चाहते हैं तो कैरेक्टर पर क्लिक करना है, यानी जो तस्वीर है उस पर क्लिक करना है, तो ये डायरेक्टली हमारी हाँ सीन पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वो सेट हो चुका है, वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब अगर आप इसका सेटिंग चेंज करना चाहती है, जैसे कि इसे बैठा हुआ है उसे खड़ा करना चाहती है वगैरह वगैरह, तो सेट टू द लिफ्ट पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसे जैसे भी जहाँ भी बिठाए बिठा सकते हैं। फिर कैरेक्टर को ऐड करने के लिए नो एक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी आपको पसंद हो उसे लेना है। अगर दूसरा कोई मेल फीमेल कैरेक्टर बनाना हो तो क्रिएट कैरेक्टर पर क्लिक करें, या इसमें से पहले जो आपके पास पड़े हो उनमें से एक को ऐड कर ले। जैसे मैं डॉक्टर को ऐड करता हूँ, तो देखिए वो लेफ्ट राइट दोनों बैठे हुए हैं। अब इसको टॉकिंग कैसे करना है, इसको बातें करना है एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर नाउ एक्टर पर क्लिक करना है, यानी सबसे पहले किस एक्टर को बात करनी है, तो मैं डॉक्टर को ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर इसको वॉइस रिकॉर्ड करना है, तो इस निशान पर यानी माइक पर क्लिक करना है। उसके बाद दरमियान वाला जो माइक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है। जो भी आपने कहना है, जो भी डायलॉग वो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, और फिर इसे क्लिक करके वहाँ पर ऐड करना है। फिर इसके बाद दूसरा कैरेक्टर लेना है, वो भी यहाँ से लेना है, और फिर नाउ एक्टर पर क्लिक करके दूसरे एक्टर का नाम ऐड करना है। जैसे कि मैं अभी असद का ऐड कर दिया हूँ फिर माइक पर, और फिर यहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर हमारी मूवी बन चुकी है, तो हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रेंडर वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आपने सबटाइटल के साथ इसे सेव करना है या विदाउट सबटाइटल, तो हम एक्सपर्ट विदाउट सबटाइटल को क्लिक करेंगे। ये भी आपके इंटरनेट पर डिपेंड करेगा, जितना आपका इंटरनेट तेज़ होगा उतना ये जल्द ही सेव होगा, और जितना आपका इंटरनेट स्लो होगा वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। अब इसी तरह का ऑप्शन आएंगे, तो हमने सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी वीडियो को नाम देना है, जैसे कि मैं असद लिख रहा हूँ। इसे सेव करके यहाँ पर डन का ऑप्शन दबाना है।
ये हो गई हमारी वीडियो, हमारे यहाँ गैलरी में सेव हो गई। फिर आपने अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है तो ये खुद बखुद आपके गैलरी में मौजूद होगा।